पूरे विश्व के सिर चढ़कर बोल रहा मोदी फीवर। क्या मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन रहा है भारत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर कुछ खास कह रही है। मोदी आगे आगे, दुनिया पीछे पीछे। क्वाड सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं, जबकि बाकी सारे नेता पीछे आ रहे हैं। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इस तस्वीर के सामने आते ही बीजेपी नेताओं ने इसे जमकर ट्वीट करना शुरू कर दिया। किसी ने इस तस्वीर में भारत को विश्व का नेतृत्व करने वाला बताया, तो किसी ने भारत को विश्व गुरु। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसद नेताओं तक हर कोई इस तस्वीर को शेयर कर रहा है। हालांकि सवाल यह है कि हाल के दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ये कहा जाने लगा। दरअसल हाल के सालों में वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की भारत में दिलचस्पी बढ़ गई है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने जैसे अपने पक्ष को रखा, उसने यकीनन भारत को एक मजबूत जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत का न्यूट्रल रहकर रूस के खिलाफ कोई कठोर फैसला ना लेना भारत के लिए फायदेमंद रहा, जिसने उन देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया था जो भारत के साथ अपने संबंधों को सीमित रखे हुए थे। यही कारण है कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर यूरोपियन यूनियन, ये देश अब भारत के साथ की उम्मीद रख रहे हैं और अब भारत के साथ अपने व्यापार को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। क्वाड सम्मेलन में इसकी झलक भी दिखी, जिसमें भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता प्रमुख क्षेत्रों में भारत में DFC के निवेश को मजबूत करने और बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के टोक्यो में 30 से अधिक जापानी कंपनियों के शीर्ष CEO के साथ बैठक में भाग लिया और नेताओं को भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम के बाद PM मोदी ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, टोक्यो में शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। हमारी बातचीत नवाचार से लेकर निवेश, तकनीक से लेकर वस्त्र, सुधार से लेकर स्टार्टअप तक विभिन्न विषयों पर केंद्रित थी। इस बिजनेस इवेंट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई शीर्ष जापानी नेताओं से भी मुलाकात की। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में जाना कई अवसरों को जन्म दे रहा है, जिसकी शुरुआत अब क्वाड समिट से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।